आर्मी रैली भर्ती न्यू सिलेक्शन प्रोसेस 2023। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी रैली भर्ती न्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें बदलाव आया है, चेंज आया है। तो आप देखना होगा कि इसमें क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है उसमें। तो पहले क्या होता था कि अगर आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रैली होता था, भाग होता, दौड़ा दौड़ाया जाता था। तो वहाँ से आपका स्टार्टिंग होता था, दौड़ होगा, उसके बाद वहाँ सेलेक्शन किया जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो वो जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। नई भर्ती प्रक्रिया यहाँ बताया गया है। चरण 1, सभी उम्मीदवारों के लिए नामित केंद्रों पर ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा। पहले आपका परीक्षा होगा, आप जैसे रजिस्ट्रेशन करिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा, तो आपका पहले यहाँ पे अब परीक्षा होगा, टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका भर्ती रैली होगा। और रैली भर्ती दौरान सीईई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए शारीरिक उपस्थिति जांच होगी। उसके बाद आपका जब रैली भर्ती हो जाएगा उसके बाद आपका चिकित्सा जांच होगा। तो ये जो प्रोसेस है आपका रैली वाला वो अब सेकंड नंबर पे आ गया है। पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रैली होगा। पहले होता था कि रैली पहले दौड़ पहले होता था, उसके बाद आपका टेस्ट होता था। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, तो आपका अभी तक डेट कंफर्म पता नहीं है कि कब से ये ओपन होगा नहीं होगा, पर यहाँ पे बताया गया है कि आप कब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए जो अभी चल रहा है भर्ती हेतु फरवरी 2023 के मध्य में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुलेगा। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी मध्य, मतलब कि मान लीजिए 15 फरवरी तक में ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो आपके पास अभी कम से कम अभी 10 दिन बाकी है अभी ओपन होने के लिए। तो अगर आप टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको अग्निपथ पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट जो है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो वो आप कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा कैटेगरी आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो वो सेलेक्ट करने के बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे आपका यहाँ लॉगिन पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ कुछ लॉगिन करना नहीं है, बस आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा। तो नेक्स्ट पेज पे आपको अपना यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आई हैव रीड पे यहाँ टिक करना है, आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे क्वेश्चन खुल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे बताया गया है। टोटल टाइम आपको 1 घंटा का मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपका यहाँ बताया गया है, 0.5 है। यहाँ से आप एक एक क्वेश्चन यहाँ टिक कर सकते हैं, जो भी आपका सही है। टिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका फिर से नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 100 का रहेगा, आपका 35 मार्क्स पासिंग रहेगा, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। सब्जेक्ट आपका यहाँ जीके पूछा जाएगा, मार्क्स 30 का रहेगा, क्वेश्चन आपका 15 रहेगा। जनरल साइंस में आपको 30 मार्क्स का रहेगा, 15 क्वेश्चन। मैथ में आपको 30 मार्क्स और 15 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का आपका 10 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चन। टोटल स्कोर जो है आपका 100 का रहेगा, 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पासिंग मार्क्स आपका 35 रहेगा। और अग्निवीर या टेक्निकल एग्जाम पैटर्न के लिए आपका 200 टोटल मार्क्स रहेगा, उसमें 80 मार्क्स आपका पास रहेगा और 1 घंटा का आपको टाइम मिलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट के लिए तो वहाँ से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ टाइम भी बताया हुआ है कि आप 1 घंटा में खुद भी देखिएगा कि आप 1 घंटा में कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ या नहीं पाएँ।